हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हैंकी टक वाली वीडियो लेकर आइए और दोनों साइड में हैंकी टक करके बताइए। तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मोस्ट मेरा जो फेवरेट है, मुझे जो हैंकी टक करना पसंद है जिस स्टाइल में, तो उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का रुमाल लिया है जिस पे वाइट कलर की दो साइड में स्ट्रिप जैसा बना हुआ है। तो ये मैं ओपनली कवर मतलब ओपन में ही रखा है, मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है। आप फोल्ड भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा 8-10 रुमाल से अलग अलग डिज़ाइन मतलब टकिंग के अलग अलग स्टाइल बताइए। तो मैं यहाँ पर और दोनों तरफ से टक करके बताइए, तो वो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वीडियो स्टार्ट हो गया है, तो मैंने फ़र्स्ट रुमाल टक करके दिखा दिया है कि फर्स्ट साइड पर और सेकंड साइड पर आप कवर भी कर सकते हैं। अगर से आपको ओपन रखना है तो ओपन भी रख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्टाइल। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टाइल और दूसरे रुमाल से किस तरीके से टक किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सेकंड रुमाल, जो कि बड़ा ही सॉफ्ट है और जिस पे गुलाब का प्रिंट उतरा हुआ है एंड बहुत ही मतलब ये ब्राउन रंग में है। तो इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके टक किया है, जो कि आप दोनों साइड टक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट साइड टक कर लिया है। अब चलिए इसको सेकंड मतलब इसमें टक करके दिखाती हूँ। तो ये सेकंड स्टाइल मतलब सेकंड स्टाइल में अंदर की तरफ आप टक कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा पूरा कवर भी कर सकते हैं या थोड़ा शो भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी कि आपको किस तरीके से रखना है। तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टाइल। अब थर्ड रुमाल से एक करके देखते हैं और वो भी अलग स्टाइल होगा और दोनों साइड में टक करके बताऊँगे। तो ये है पिंक कलर का, जो कि इन चारों तरफ से छोटे छोटे फूलों के प्रिंट बने हैं और बीच में बीच सेंटर में भी बना है और पिंक कलर की पूरी मतलब बॉर्डर दी गई है और चेक्स की रुमाल है। तो इसको मैंने ट्रायंगल शेप में टक किया है, जैसे कि समोसा होता है उस स्टाइल में मैंने टक करने की कोशिश करी है। और अभी सेकंड मतलब इसको यहाँ दूसरी साइड भी आप टक कर सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे मैंने चौथा रुमाल ले लिया है और इसको मैं अलग तरीके से टक करूँगी। इसको मैंने 3 फोल्ड करा है और इसको बारीक से एक स्ट्रिप बना ली है, तो कुछ इस तरीके से मैं टक करूँगी। तो ये चौथा स्टाइल है जो कि अच्छा है और आप इसको भी दोनों तरफ टक करके रख सकते हैं। अच्छा लुक आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, और हाँ गाइज, अगर से मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।